बहुत बड़ी संख्या में धोबी समाज के लोग आ रहे हैं, क्योंकि 75 साल के इतिहास है कि धोबी समाज के लोगों को नज़रअंदाज लोगों ने किया है। इसी धोबी समाज में एक दो सांसद हर एक सत्र में होते थे, आज शून्यता की ओर है। पहले धोबी समाज के लोग विधानमंडल में 3 से 5 सदस्य होते थे, आज शून्यता की ओर है। जो मिलता है 17,000 रुपया मानदेय, और टोला सेवक है जिसमें धोबी समाज के लोग हैं उनको मिलता है 9,000 मानदेय। तो ये जो दो रंगी है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। महिलाएं धोबी समाज के जाती हैं कपड़ा लाने ले जाने, उनके साथ जिस तरह उपहास और जिस तरह से अत्याचार होता है। दूसरे तो हमारे रोजगार जो थे, जो हमारा रोजगार था, उसका भी निजीकरण होकर के या ये कहिए कि बड़े लोगों के हाथों में कैद होते जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। आने वाले 2 तारीख को धोबी समाज के द्वारा एक बड़ी रैली की जा रही है। एक तरफ जहाँ पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार अमित शाह का दौरा कर रहे हैं, कहा जाए कि पूरी तरीके से 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अब आरजेडी के सीनियर लीडर हैं श्याम रजक, पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है। धोबी समाज से आते हैं और धोबी समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और तमाम लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने समाज के हित में जो मिला है और आगे भी मिलना चाहिए। ये देखिए पूरी तैयारी, ये तस्वीर है राजधानी पटना के मिलर ग्राउंड की, जहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है और 2 तारीख को जो है वो बड़ी रैली होने वाली है। कहा जाए कि एक समाज का जुटान होने वाला है और उसको लेकर ये पूरी तैयारी राजधानी पटना में किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर श्याम रजक हैं। पूरी तैयारी की जा रही है, कितने लोग आएंगे लगभग? देखिए, ये अखिल भारतीय धोबी महासंघ का बिहार इकाई का लोगों द्वारा घोषित है और इसमें पूरे बिहार के सभी प्रखंड सभी पंचायत से अपार संख्या में बहुत बड़ी संख्या में धोबी समाज के लोग आ रहे हैं, क्योंकि 75 साल के इतिहास है कि धोबी समाज के लोगों को नज़रअंदाज लोगों ने किया है। देश की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सभी लोगों ने धोबी के साथ अन्याय किया है, या ये कहिए कि अनदेखा करने का काम किया है। पहले हमारे समाज में हमारा राजनीतिक, हमारा सामाजिक, हमारी शैक्षणिक, प्रशासनिक हमारा शोषण हुआ और हिस्सेदारी हमको नहीं मिला। पहले इसी धोबी समाज में एक दो सांसद हर एक सत्र में होते थे, आज शून्यता की ओर है। पहले धोबी समाज के लोग विधानमंडल में 3 से 5 सदस्य होते थे, आज शून्यता की ओर है। प्रशासनिक पदाधिकारी पहले 5 से 5.5% होते थे, पूरे जितने प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार में, आज वो 3 से 3.5 हो गए हैं। कानूनी दांव पेच में फंसा कर उन्नति के आरक्षण के मामले को कानूनी जामा पहना करके हम लोगों को संख्या कम कर दिया गया। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, जहां हमारे टोला सेवक थे, माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया कि टोला सेवक को दिया। हमारे लोगों ने जो गाड़िया बाबा के वंशज हैं, धोबी समाज के लोगों ने टोला सेवक में अपना पूरा योगदान दिया है। 18,000 में 14,000 बता रहे हैं, इसी माध्यम से 18,000 में 14,000 धोबी समुदाय के लोग। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि 14,000 जो हैं और विकास मित्र जो हैं, दोनों का एक ही काम है, लेकिन विकास मित्र को मिलता है 17,000 रुपया मानदेय और टोला सेवक है जिसमें धोबी समाज के लोग हैं उनको मिलता है 9,000 मानदेय। तो ये जो दो रंगी है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये क्या है। उसी तरह से जिस तरह से हमारी महिलाएं हैं धोबी समाज के, जाती हैं कपड़ा लाने ले जाने, उनके साथ जिस तरह उपहास और जिस तरह से अत्याचार होता है। दूसरे तो हमारे रोजगार जो थे, जो हमारा रोजगार था, उसका भी निजीकरण होकर के या ये कहिए कि बड़े लोगों के हाथों में कैद होते जा रहा है। आज हम मजदूर बन गए हैं, पहले हम जो रोजगार करते थे उसका पैसा हमको मिलता था, अब हम मजदूरी कर रहे हैं। तो सरकारी जो ठेके होते हैं, चाहे रेलवे में हो, अस्पताल में हो या अन्य क्षेत्र में जो धुलाई के काम होते हैं, उस काम का जो हमारा है कि धोबी का कोऑपरेटिव बना करके अगर उन लोग को दिया जाए तो उनकी आर्थिक समृद्धता बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बड़े लोग कमा रहे हैं, हम मजदूर का मजदूर हो गए, और मजदूर भी हो गए तो ऐसा मजदूर कि हम श्रमिक हैं लेकिन श्रमिक की मान्यता नहीं है। अगर श्रमिक की मान्यता रहती तो हमको जो बिहार सरकार, केंद्र सरकार की जो श्रमिकों को जो सुविधा है, जो उनको योजनाएँ हैं, उसका हमको लाभ मिलता, वो भी लाभ नहीं मिल रहा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि धोबी समाज के लोगों ने 2013 में संत गाड़गे बाबा का मूर्ति स्थापित किया था कैपिटल धोबी घाट में, जिसमें
इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, उस समय भी मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी आए थे, उस समय के महामहिम राज्यपाल तत्कालिक उस समय श्री आर एस गवई साहब थे, उस समय तत्कालिक प्रतिपक्ष के नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी भी आई थी। तीनों ने वहाँ पर गाडगे बाबा का मूर्ति स्थापित करने का काम किया था, एक बड़ा काम हुआ था। वहीं पर जिस प्रकार से वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यहाँ गाडगे बाबा जो इतने महान व्यक्तित्व रहे उनके नाम पर जो मूर्ति बना है हम इसको पार्क बनाएंगे और यहाँ आधुनिक धोबी घाट बनाएंगे जो पूरे देश के लोग इस धोबी घाट को देखने का काम करेंगे। लेकिन वो ढाक का पात रहा तो सारे धोबियों में आक्रोश है। इस आक्रोश को हम यहाँ पर लोग जुटेंगे, पूरे बिहार से लोग आने अपार संख्या में आ रहे हैं, आप देखेंगे कल, क्योंकि अभी से ही लोग चलने का काम कर दिए हैं, रिपोर्ट आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं सब जगह से, तो वो होगा और यहाँ पर संबोधन होगा और आगे की रणनीति की खुलासा होगा। बिहार में जो स्थिति बनी हुई है अभी दो जगह पर, सासाराम और बिहार शरीफ में, क्या लग रहा है कि उधर से जो लोग आने वाले थे तो ठीक से आ पाएंगे? क्योंकि 144 लाख मेरी रिपोर्ट, उन लोग से बातचीत हो रही है, 144 हो रही है, वो लोग गाड़ी से आएंगे, कोई पैदल तो आना नहीं है, समूह में आएंगे, बस गाड़ी तो चल रही है, बस गाड़ी चलेगी, लोग आएंगे। हाँ ठीक है, उसका थोड़ा असर होगा लेकिन उससे के कारण हमारा रैली में कोई अंतर नहीं होगा। अमित शाह ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया सासाराम का। अमित शाह जी कार्यक्रम रद्द कर दें उससे हम लोगों को क्या लेना है, हम तो अपने समाज को यहाँ पर जुटाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई घटना नहीं है। घटना अगर होती तो उसकी एक अलग लेखा जोखा होता। सत्ता में आप लोग हैं, आरोप है आप लोग तो। अब हम लोग पर आरोप है, हम आज धोबी महासंघ की ओर से बोल रहे हैं, पट्टी की ओर से अगर बात कीजिएगा तो अलग बात कीजिए, उसको अलग, दोनों को मिक्स मत कीजिए, तो हम बताएंगे उसमें क्या किसकी साजिश और क्या है। तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर थे बनीश पुणेशन के साथ, नमस्कार।